अगर तेरी कोई शिकायत मिल गई ना तो आज ध्यान रखियो। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तू तो चुपी रहे। हाँ तू तो चुपी रहे, तू बकवास मत कर। तू नहीं तो सर पे चढ़ा रखा है इसे। मैंने? अरे बिल्कुल अपने बाप पे गया सड़ा हुआ। सड़ा हुआ बाप पर गया और क्या? ज्यादा मत बोल। हाँ ज्यादा मत बोल, यही तो गल नहीं, यही की यही तेरा गला घोट दूंगा मैं। अच्छा बुड्ढे, ऐसी चप्पल मारूंगी तेरी सर पे। अरे बस करो यार, तुम यार मतलब हर जगह लड़ने लग जाओ। अब तुम स्कूल में आगे मेरी वहां पे भी बेइज्जती कराओगे? ना ना ना, माना लड़ेंगे। चल तो चल, लड़ेंगे। चल वहां अंदर बेइज्जती मत कराना मेरी। अरे चल ला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उस दिन मैंने सारे बच्चों से पूछा कि आप लोगों को क्या बनना है, तो किसी ने कहा मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन आपके बच्चे ने क्या बोला? मुझे तो बांसुरी बजानी है। अरे वाह, मेरा बेटा तो संगीत की तरफ जा रहा है। वाह मेरे लाल, म्यूजिशियन बनना चाहता है। मुझे बड़ा गर्व है तुझ पे। अरे नहीं मैडम, बांसुरी हमारे यहाँ एक लड़की का नाम है। बदतमीज, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हैं? मुझ पे गया है? मुझ पे क्यों गया है? अरे तुम ही पे गया है ये? हैं? बेशरम कहीं का। बेशरम? मुझ पे क्या गया है? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए ये मुझ पे कितनी क्यूट है आप मैडम। अरे ये क्या कर रहे हो? गोद में बैठ जाओ जाके उसकी। हाथ में पकड़ रहे हो? हाँ तो बैठ जाऊंगा उसकी गोद में। तुझसे तो सुंदर ही है। क्या? हाँ मुझसे तो सारी सुंदर लगती है तुम्हें। हैं? गली मोहल्ले में सभी सुंदर लगती है। सुंदर है तो सुंदर ही बोलूंगा ना। अरे अरे मुंह बंद करो अपना, बकवास मत करो ज्यादा। बकवास? मैं बकवास कर रहा हूँ? वो तेरा भाई आता है, रोज रोज दारू पीने आता है, ये करने आता है, वो करने आता है, कितने खर्चे हो जाते हैं। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ ना? क्या हुआ तो अगर आ गया तो मैं नहीं रहती हूँ यहाँ पे इस घर में। तुम नहीं रहती है? पेड़ का पैसे का पेड़ पर से आते है। भाई तेरा भाई आता है, मैं उसको कितने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। तुम्हारी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है ऐसी औलाद को। अरे वो तो ये है, वो तो इसकी वजह से मैं यहाँ रुका पड़ा हूँ, नहीं तो कब का चला जाता। अरे मैं भी इसी की वजह से रुकी पड़ी हूँ। उफ़ो, अरे बंद करो अपना ये झगड़ा। हेलो मैडम, ये आ गया मेरा लड़का। बैठिए बैठिए। जी मैं ये कह रही थी कि आपका लड़का पढ़ने में क्या किया इसने? क्या किया? मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा तू। मेरी ऐसी ऐसे ऐसे बनना भी करा? अरे ऐसी मत मारिए, आपका बेटा बड़ा हो गया है, आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगा ये। क्या बे, तू मेरी पुलिस कंप्लेंट करेगा? हैं? पुलिस कंप्लेंट? अरे पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट करेगा? अरे पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट। बात तो सुनिए, मारिए मत इस तरीके से। वो बड़ा हो गया है, आपको जेल हो सकती है। जेल हो सकती है? नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जेल नहीं होने दूंगा मैं इसे। अरे इस तरीके से मत मारिए आप। मैडम चुप रहिए। अरे अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, आपका बेटा बहुत शार्प माइंडेड है। अब तू हरामखोर, शार्प माइंडेड भी है? अरे बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत होशियार है आपका बच्चा। अरे आपको नहीं पता 100 में से 95 नंबर आए उसके, होशियार है वो। 5 नंबर का रहेगा हराम ज़ादे। रुक जा हराम ज़ादे, 5 नंबर का रहेगा तेरे। नमस्ते सर, आपका बेटा बहुत शैतानी करता है। बहुत शैतानी करता? जी मान ही नहीं सकता मैं, मान ही नहीं सकता मैं। अरे मेरा राजा बेटा है, आपको इसकी शक्ल दिख रही है? कितना मासूम है ये, है ना, कितना मासूम दिखता है ये, कभी शैतानी कर ही नहीं सकता। अरे नहीं वो पढ़ने में बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर है? ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम, पढ़ने में कमजोर हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि ये पढ़ने में कमजोर हो जाएगा तो मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम, मैं मान ही नहीं सकता। अरे सर वो स्कूल में इतनी शैतानी करता है, बहुत उधम करता है स्कूल में। तो मैडम बच्चा है, ये उधम नहीं करेगा तो मैं उधम करूंगा, इसका बाप उधम करेगा, आप बताइए। अरे बहुत बोलता है ये, इतना बोलता है, इतना बोलना ठीक नहीं होता। मैडम एक बात बताइए, अब मैं क्या गूंगे बच्चे पैदा करूं? अरे कोई मेरा बेटा है, कोई मनमोहन सिंह थोड़ी है जो नहीं बोलेगा। अरे आप थोड़ा सा इसे समझाइए, इसका दिमाग नहीं है पढ़ाई में जरा सा भी। अरे नहीं मैं मान ही नहीं सकता, ये तो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, मेरा राजा बेटा है। अरे होशियार नहीं है, एक नंबर का पागल है आपका बेटा। नहीं 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 मैडम, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा प्यारा बेटा, माय गुड सन।
सर आप अपने बच्चे की साइड मत लीजिए, इसको एक का आंसर भी नहीं आता। एक का ही तो आंसर नहीं आता, बाकी सबके तो आते हैं, सबके आते हैं ना, मेरा सन, मेरा प्यारा बेटा। अरे आप समझ नहीं पा रहे, मेरे कहने का मतलब ये है, ये पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ए मैडम, पढ़ाई में कमजोर नहीं है, और आपने इस सब के लिए मुझे पीटीएम में बुला लिया, बिल्कुल पागल मैडम है क्या आप? देखिए, अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे हो तो देखो, इसके मैथ में आए 10 नंबर, इसके मैथ में आए 10 नंबर, और इंग्लिश में 15 नंबर, टोटल कुल मिला के इसके 50 नंबर आए। 50 नंबर? तो मैडम टोटल पढ़ाइए ना, जब टोटल में 50 नंबर आए तो इसको टोटल पढ़ाइए, टोटल में, जब ये टोटल में अच्छा, तो ये टोटल टोटल में अच्छा करेगा, है कि नहीं बेटा? अरे इसके पूरे 100 भी नहीं आए, इसके सिर्फ 50 ही नंबर आए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी मैडम तो कम ही नंबर आने चाहिए, अगर ज्यादा नंबर ले आएगा तो दूसरों की नौकरी खा जाएगा, और हमें वैसे भी इस पर नौकरी थोड़ी करानी, हमें तो इस पर बिजनेस कराना है, कि नहीं? है कि नहीं? अरे आप कैसे पिता हो, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, अपने बेटे को प्यार करे जा रहे हो, उसके दो थप्पड़ क्यों नहीं लगा रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे के थप्पड़ नहीं लगा सकता मैडम, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन आदमी हूँ, और बिजनेसमैन आदमी कभी अपने बच्चों पर हाथ नहीं छोड़ते। बेटे छोड़ो, आज के बाद में हमें पीटीएम में मत बुलाना, चलिए। अरे सर रुकिए, बात सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए। नमस्ते मैम साहब। गुड मॉर्निंग। अरे इसको तो मैंने पहली बार देखा है। अरे मैं तो कहती हूँ पढ़ ले, लेकिन ये पढ़ता ही नहीं है। अरे हम कैसे पेट काट काट के इसकी स्कूल की फीस जमा कर रहे हैं मैम साहब, क्या बताएं तुम्हें। घर में खाने तक के लिए नहीं है, लेकिन हम इसको पढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं पढ़ता ये। अरे अरे चुप कर आओ ना, कैसे बताऊं मैं। अरे इतने मेरा बड़ा नाक में दम कर रखा है। अरे मैम साहब आज से मैं तुम्हें पूरी इजाजत दे रही हूँ, इसे जमीन पे बिठाओ, पटक पटक के मारो, मुर्गा बनाओ, मछली बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन मैं आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी। अरे इसका दिमाग इतना कमजोर है पढ़ने में, मैं तो बड़ी परेशान हूँ इससे। और सुनो मैं तो कह रही हूँ कच्चा नहीं, मैं कच्चा नहीं बदलता, कई कई दिनों तक वही कच्चे में घूमता रहता है। अरे जब सड़ी हुई चीजें पहनेगा तो कहाँ से इसकी मोटी बुद्धि हो जाएगी। और बच्चे देखो कच्चे पहन पहन के आते हैं, नई नई तरह तरीके के कच्चे बदलते हैं, ये बदलता ही नहीं, सड़ाता रहता है अंदर कच्चे को। अरे बस पूछो मत, पूरे रिश्तेदारी में इसने मेरी नाक कटा रखी है, मगर मैं बता नहीं सकती तुमको। आए आए मेरी माँ का फोन आया था, कह रहा था कैसा बेटा है तेरा। अरे इसको धोखा पढ़ा नहीं आता, मैं कहाँ मर जाऊँ जाके, भगवान ये तो मेरी कोख, मैंने 9 महीने पाला था इसे अपनी कोख में, लेकिन इसने सत्य नाश कर दिया मेरे जीवन का, ये मरा क्यों नहीं। अरे सड़ा हुआ कच्चा पेन डरे था, लेकिन मुझे ही बताया अरे भाई साहब क्या हुआ, क्या हुआ? अरे भाई साहब मैं क्या बताऊं, इससे मैंने मना किया है, मंगलवार को चिकन मत खाया कर, लेकिन फिर भी खा लेता है ये। अब देखो पढ़ाई में बहुत कमजोर है, फेल आया है। अरे मैंने ये कहा हनुमान जी का दिन है, क्यों खाता है, लेकिन फिर भी गोबर भर ही लेता है। ए भगवान। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। देखिए आपका बेटा बहुत ही होशियार है। होशियार क्यों नहीं होगा ना, हमारा बेटा है, मेरा शेर, मेरा राजा बेटा है, होशियार क्यों नहीं होगा? राजा बेटा है, 100 में से 100 क्या 110 लाएगा। लेकिन आपका बेटा थोड़ा चंचल है। चंचल है? चंचलानी हो रहा है, चंचलानी हो रहा है, चंचलानी है, चंचलानी है। आप क्या कर रहा हूँ मैडम, सही कर रहा हूँ, इसके साथ ऐसा ही करना चाहिए, चंचला नहीं रहा, नाक कटा के रहेगा, मेरे नाक कटा के रहेगा है। अरे 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 से मारिए मत, लेकिन स्कूल टाइम से आता है। स्कूल टाइम से क्यों नहीं आएगा, संस्कार है हमारे परिवार के, स्कूल टाइम से क्यों नहीं आएगा, स्कूल तो टाइम से जरूर आएगा ये। लेकिन कभी कभी स्कूल भूल कर देता है। बंक मारता है तू, बंक मारता, बंक मारता, बंक मारता, बंक मारता, बंक मारता। क्या कर रहे हैं आप, क्यों मार रहे हैं इसको? क्या करूं मैडम, मेरी क्लास में तो टाइम
से आता है। टाइम से आता है? आप खूबसूरत दीदी हैं। मेरा बेटा आपकी क्लास में जरूर आएगा। लेकिन और जो टीचर्स हैं उनके क्लास में टाइम से नहीं आता। और टीचरों की क्लास में क्यों नहीं जाता तू टाइम से? हैं? क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? क्यों नहीं जाता? अरे आपका बच्चा चाहे ना तो डॉक्टर, इंजीनियर सब बन सकता है। अरे क्यों नहीं बनेगा? मेरा शेर बेटा है, मेरा राजा बेटा है, जरूर बनेगा। डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, एस्ट्रोनॉट भी बनेगा। लेकिन बनना नहीं चाहता ना। बनना नहीं चाहता? बनना क्यों नहीं चाहता? बनना क्यों नहीं चाहता तू? हैं? बनना क्यों नहीं चाहता? लेकिन आपका बच्चा परफॉर्मेंस में ठीक है। मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बच्चा। मॉर्निंग सर। हाय विशाल। मैडम नमस्ते। ही इज वेरी वंडरफुल, अचीविंग ऑल इज गोल्ड। पढ़ता क्यों नहीं तू? पढ़ता क्यों नहीं है तू? पापा तारीफ ही तो कर रही हैं। तारीफ कर रही हैं? शी इज वेरी गुड, माय इंग्लिश इज अच्छी, हिज इंग्लिश इज वेरी बेकार, हिज मदर इज हिंदी एंड इंग्लिश। बट सर आई एम सैड, ही टीजिंग गर्ल्स एंड अब्यूजिंग गर्ल्स। ही इज अब्यूजिंग, ही इज टीजिंग, ही इज सुपर। क्या? शी इज गुड, आई टोल्ड यू एवरीथिंग। शी इज माई मेल डॉटर, शी इज माई सुपर सुपर डॉटर। एंड मी इज वेरी वेल इंग्लिश। His mother is very bad Hindi. Okay, okay. Her mother pitai me and I pitai him. I forward Sachin Tendulkar. Okay, madam. I hate you. क्या? Get out. I hate you का मतलब होता है नफरत करना। तूने ही तो बताया था कि जाते समय I hate you बोलते हैं। मैंने नफरत करना नहीं बताया था, bye बोलना बताया था। जाते हुए bye बोलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। मैं मान ही नहीं सकता ये, और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता मैडम। ये तो एक नंबर का नाकारा, निकम्मा, निहायती बेकार बच्चा है। अरे सर इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। मैं मान ही नहीं सकता इसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे आ ही नहीं सकते। जरूर मैडम कोई ना कोई टोटल में मिस्टेक हुई होगी, आप टोटल दोबारा चेक कराइए। अरे नहीं, आपका बच्चा बहुत होशियार है पढ़ने में मैडम, पूरी क्लास में अच्छा है ये। मैं मान ही नहीं सकता, ये पूरे दिन बैग खोलकर देखता ही नहीं है ये बैग। ये जाकर घर पर बैग देखता नहीं, जाके बैग उठाकर फेंक देता है। पूरे दिन मोहल्लों के लड़कों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है, और आकर पूरे दिन वो क्या कहते हैं, सब्जी बिस्किट, क्या कहते हैं उसको, गेम खेलता रहता है, पबजी। जी मैडम ये वही खेलता रहता है। मैं मान नहीं सकता इसके नंबर अच्छे आ सकते हैं। आप दोबारा इसका टोटल चेक कराइए मैम। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रही, पूरी क्लास में चुप रहता है, और बच्चों की तरह नहीं है ये। मैं मान ही नहीं सकता मैडम, ये चुप नहीं रहता होगा, ये पीछे ही पीछे कोई बदमाशी करता होगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, इसे मारिए मत। आपका बच्चा बहुत परफेक्ट है, बहुत होशियार है ये। परफेक्ट? ये परफेक्ट हो ही नहीं सकता मैडम, ये परफेक्ट नाम का शब्द पे एक कलंक है। मैं समझ लीजिए इसको पैदा करके आज तक पछता रहा हूं। अरे सर आपके बच्चे ने आज तक कोई गलती नहीं की मैडम। मुझे तो ऐसा लगता है जो राहुल जो सस्पेंड हुआ था ना, वो बॉम्ब उसने बाथरूम में नहीं लगाया था, इसने लगाया होगा। आप दोबारा चेक कराइए, सीसीटीवी फुटेज चेक कराइए, इसी ने वो बॉम्ब लगाया होगा, क्योंकि मुझे इसकी कारस्थानियों का पता है। घर पे भी दिमाग खराब कर देता है ये। मैडम राहुल को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, एक नंबर का बच्चा है, एक नंबर का लड़का है, और वो उसकी माँ एक नंबर की माँ है, और उसने उसी के संस्कार राहुल को मिले हैं, इसलिए उसकी परवरिश बहुत अच्छे घर में हुई है, और इसकी परवरिश इसकी माँ ने की है, जो इसकी तरीके इसी जैसी है, बिल्कुल एकदम खराब। अरे एक मिनट सर सुनिए, शांति से पहले मेरी बात सुनिए, आपके बेटे जैसा पूरे स्कूल में नहीं है। जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे स्कूल में इस जैसा नाकारा, निकम्मा, निहायती बेकार बच्चा नहीं हो सकता। तुझे घर पे देखूंगा आज तेरी टांगे तोड़ के, अगर ना मैंने तुझ पे भांगड़ा कराया तो मेरा भी नाम नहीं। नहीं सर, इसने प्रिंसिपल मैम की छाती गर्भ से चौड़ी कर रखी है। मुझे भी देखनी है छाती। बुलाइए प्रिंसिपल मैडम को, मैं भी देखूंगा उनकी छाती कितनी गर्भ से चौड़ी कर रखी। आप दोनों ने मैडम
दोनों के दोनों ही फ्रॉड हो। अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल मैम को इस लड़के पे बहुत गर्व है। गर्व पूरी स्कूल मैं मान ही नहीं सकता मैडम, इस जैसा नाकारा निकम्मा इतना खराब लड़का इस पूरे स्कूल में नहीं हो सकता। ये लगता है कि सारा स्कूल मिला हुआ है इसकी तरफ। मैं आज के आज इस स्कूल से इसे निकलवा रहा हूँ और किसी और स्कूल में भर्ती करूंगा और तेरी टांगे तोड़ूंगा। और टांगे तोड़ के तुझ पे आज भांगड़ा ना करवाया तो मेरा भी नाम नहीं। सर आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे। अरे एक मिनट सुनिए तो सही। नमस्ते मैम, मेरा बेटा। सर आपके बेटे ने पूरी स्कूल की ना मतलब नाक ऊंची कर रखी है। हाँ, मेरा बेटा मैडम नाक तो ऊंची रखेगा जी। मैं क्या बताऊँ आपको, पूरा स्कूल इससे दूर। उम्र सारी मतलब बहुत खुश है। खुश है। अच्छा बहुत खुश है, बहुत खुश है। थैंक यू मैम बहुत खुश है। ऐसा बेटा आपने इस स्कूल में दाखिल किया ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। मतलब एक नंबर का टॉप है। टॉप मतलब बहुत अच्छा है आपका बेटा। सो ग्रेट। मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतना थोड़ा है। जी जी जी। वैसे आप इसके साथ क्यों आए? पीडीएम था ना मैम, इसीलिए मैं आया। अच्छा हुआ आप आ गए। आज तो इसका पुराना चिट्ठा खुल जाएगा। पुराना चिट्ठा नहीं, मेरे कहने का मतलब आज तो इसकी इतनी तारीफ कि मैं बताऊंगी आपको कि मैं बता नहीं सकती कि आपका बेटा इतना मतलब ग्रेटफुल है। सो स्वीट सो अमीर। तो मैडम हम जाए? जाइए, लेकिन बट आप मुझसे किसी दिन अकेले में आके मिलिएगा। अकेले में? हाँ जी। नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे आके अकेले में नहीं मिलूंगा। भाई मेरी चार चार बीवियां हैं। अगर मैं आपसे आकर अकेले में मिलूंगा तो कल्ला को वो मेरी चार बीवियां हैं मुझे छोड़कर चली जाएंगी। और आप जमाने आपने मुझ पर कोई इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं मैडम, आपको जो भी बात करनी है यही कर सकती है अभी किसी वक्त। चाहिए जाइए। ओके मैडम, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। क्या बताऊँ आपका बेटा गाली बहुत देता है। क्या बताए मैडम, हमारे पूरे परिवार में कोई गाली नहीं देता, लेकिन ई कमीना ई हरामखोर गाली देता है। गाली तक तो ठीक है, सिगरेट भी पीता है। हम बता रहे हैं ना, हमारे पूरे परिवार में सिगरेट को कोई हाथ भी नहीं लगाता। सीधा मुंह लगाते हैं हरामखोर। सिगरेट तक भी ठीक है, क्लास में दारू तक भी पीता है। बिल्कुल हरामखोर, मेरा बीपी बढ़ा दिया। अब जब तक मैं एक दो घूंट नहीं मारूंगा जब तक मेरा बीपी शांत नहीं होगा। चकना है जी, बताइए मैडम ऐसी करता है। दारू पिएगा क्लास में। किसको देख कर सीख रहा है ये सब। मैडम देखिए, मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। प्लीज मैं चलता हूँ।